देख रहे हैं जीटीवी भारत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीतीश कुमार ने महागठबंधन विधायक दल की बैठक में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री ने महागठबंधन की विधायक दल की बैठक में कही। तो महागठबंधन दल की बैठक में नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सदन कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के उप सभापति रामचंद्र पूर्वे सहित अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धनिक लाल मंडल समेत 16 दिवंगत नेताओं को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के नव निर्वाचित बीजेपी विधायक केदार गुप्ता का शपथ ग्रहण होना था, लेकिन राज्यपाल की तरफ से अधिकृत नहीं किए जाने की वजह से शपथ ग्रहण नहीं हो सका। वहीं विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जिसके बाद विधान परिषद के सभापति ने कहा कि हंगामे से घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न ज्यादा रहते हैं, स्वाभाविक है, हर और होना भी चाहिए। मैं समझता हूं माननीय हर विधायक को, हर विधान पार्षद को अपने क्षेत्र की समस्याओं का, की बातों को यहां पर रखने का अधिकार है ही, तो वो रखते हैं, ये अच्छी बात है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि यह सत्र ये प्रक्रिया है, तो हम लोग लोकतंत्र में हैं, सत्र होता ही है। ये शीतकालीन सत्र है, फिर मानसून सत्र होता है और फिर बजट सेशन होती है, तो ये सेशन बहुत अच्छी तरह से चलेगी। विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाएगी, सरकार उनकी सब सही तरीके से जवाब देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम पद का लालच दिखा रहे हैं, मगर सच्चाई ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी। राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। जैसे गांव में दुधारू गाय को अपने खूंटे तक ले जाने के लिए किसान उनके सिंह में हरे चारे को आगे करके बांध देते हैं और खूंटे तक ले जाते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव 80 MLA वाले रूपी गाय के सिंह में मुख्यमंत्री की कुर्सी रूपी हरे चारे को सिंह में बांध दिए हैं और अपने खूंटे तक ले जाने में उनको आसानी हो रही है। तेजस्वी यादव पीछे पीछे चलेंगे। जैसे गाय को चारा, हरा चारा नहीं मिला, वैसे तेजस्वी यादव जी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलनी है, लेकिन अपने खूंटे तक ले जाने में जैसे किसान सफल हो गया था, वैसे मुख्यमंत्री सफल होते दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के लसगड़ीपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। आपको बता दें कि लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान थाना क्षेत्र के पिंटू कुमार गुप्ता के रूप में की है, जो एक निजी नर्सिंग होम के संचालक बताए गए हैं। वहीं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखने से लगता है कि कोई मारो के फेंक दिया लोग, अच्छा। ऐसा प्रतीत होता है। वहाँ पर मोटरसाइकिल भी लगा हुआ था बगल में, नीचे में बॉडी था, ऊपर से मतलब मोटरसाइकिल था, बगल में जूता था फेंका हुआ था, गमछा फेंका हुआ था, एक प्लास्टिक का रबड़ भी वहाँ पर उपलब्ध था। सबको उठाए हैं और पोस्टमार्टम में यहाँ लाए हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के विस्कुमान गोलंबर स्थित एक हॉस्पिटल में महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई।
जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर तोड़फोड़ किया। साथ ही गाड़ी से पेट्रोल निकाल मेडिसिन काउंटर पर छिड़क कर परिजनों ने आग लगा दी। आपको बता दें कि देखते ही देखते अस्पताल परिसर में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। वहीं पुलिस